मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र भी बहन तुम्हारी मायकी को लग जाए और वो देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी चाहत हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर चल कर आए हैं ऐसी चाहत रखते हैं। साथियों आज बहन जी का 63वां जन्मदिन है, देश के कोने कोने में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज बहुजन समाज के लोग के साथ साथ सब जन समाज के लोग आज बहन कुमारी मायती की आयु को दीर्घ आयु के लिए कामना कर रहे हैं। देश और विदेश के कोने कोने में वहां पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है क्योंकि साथियों आने वाले दिनों में जो वर्तमान स्थिति आज देश की है वो आपसे किसी से छुपी नहीं है। आने वाले दिनों में यदि देश के अंदर हम लोग इस देश को क्षमता स्वतंत्रता के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को देश के अंदर यदि चलाना चाहते हैं तो साथियों जरूरी है कि इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती की जिंदगी लंबी से लंबी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने का काम किया है। और मैं तो आपको यह भी कहना चाहूंगा कि साथियों बहन कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में हुआ और उसके बाद 6 दिसंबर को बाबा साहब का साथियों देश इस दुनिया से जाना हुआ। साथियों उससे पहले बहन कुमारी मायावती का जन्म इस देश के अंदर हुआ, ये साथियों प्रगति की देन है कि साथियों आज वही बेटी वही बहन साथियों बाबा साहब के मूवमेंट को इस देश के अंदर आगे बढ़ाना चाहती है। सारी पार्टी एक तरफ है, सारा देश एक तरफ है मगर एकमात्र बहन कुमारी मायावती इस देश के अंदर अंबेडकरवाद को लाना चाहती है। और साथियों उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब 4 बार सरकार बनी, 4.5 महीने की सरकार, 6 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार और साथियों 5 साल की सरकार, तो ये साबित करके दिखाने का काम किया कि इस देश को यदि सही मायने में चलाना है तो साथियों इस देश के अंदर अंबेडकरवाद को लाना जरूरी है। सारे लोग साथियों इस काम में लगे हैं कि साथियों चाहे ब्राह्मणवाद आ जाए चाहे गांधीवाद आ जाए मगर अंबेडकरवाद नहीं आना चाहिए। मगर साथियों एकमात्र नेता की जिद है कि इस देश के अंदर यदि रहेगा तो साथियों अंबेडकरवाद रहेगा क्योंकि अंबेडकरवाद के आधार पर इस देश के अंदर हर जाति के लोगों को, हर व्यक्ति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को इस देश के अंदर साथियों मान और सम्मान देने की बात की गई है। गैर बराबरी की जिंदगी जिन लोगों ने जी है उनको साथियों यदि सम्मान दिलाने का काम किया, इस देश के अंदर नारी को सम्मान देने का काम किया, इस देश के अंदर साथियों यदि नारियों को सम्मान देकर उनको साथियों सही जगह पर उनका स्थान यदि देने काम किसी ने किया और ये बताने का काम किया कि साथी जब शासन के अंदर कितनी ताकत होती है तो ये साथी ये नेता आपके नेता बहन कुमारी मायावती ने काम करने का काम किया। साथियों जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो साथी जब 5 साल की सरकार बनी तो इस देश के सारे धन्नो सेठों का पेट का पानी हिल गया क्योंकि साथियों जब आपकी सरकार चलने लगी 4.5 महीने की सरकार बनी, 6 महीने की सरकार बनी, 15 महीने की सरकार बनी तो साथियों हर मत की सरकार बनी तो सारे देश के धन्ना से इकट्ठे हो गए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में डेरा डाल लिया, हवाई जहाजों में नोट के बोरे भर भर के ले गए कि किसी भी तरह साथियों ये सरकार नहीं चलने देंगे और पैसे के बल पर 3 बार आपकी सरकार को गिराने का काम किया। मगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी जिद कर ली कि कितनी मेहनत और मुशक्कत से हमने 3 बार बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाई है तो अब ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे कि गिराना तो बहुत दूर की बात है कोई मायकल और पांच साथियों हमारी सरकार को 5 साल में हिला भी नहीं पाएगा तो 5 साल की अब चोर मुजोटे की सरकार देने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया। तो साथियों इस बात के आधार पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक प्रदेश के अंदर एक प्रदेश की सरकार बनाने से काम नहीं चलेगा। साथियों सभी साथियों हर राज्य के अंदर जब सरकारें बनेगी तो साथियों निश्चित साथियों बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। आज दिल्ली देश की राजधानी में आप बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए लगे तो साथियों आप यहाँ से ये सफल लेके जाएंगे कि साथियों सही मायने में जन्मदिन यदि मनाना है तो साथियों जब अगला जन्मदिन हम मनाएंगे 2020 के अंदर तो साथियों जब बहन जी का जन्मदिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाने के लिए आना चाहिए तो साथियों ये तो साथियों जन्मदिन मनाने का तरीका होगा। और यदि हम लोग नारे लगाते रहे, हम बात करते रहे और साथियों साथियों फेसबुक पर और साथियों व्हाट्सएप पर यदि सरकारें बन जाए तो साथियों ये संभव नहीं है, उसके लिए गली में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके लिए आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी और साथियों पार्टी को मजबूत भी करना पड़ेगा क्योंकि साथियों आपने देखा है कि देश के अंदर 3 ही खजाने, एक देश का प्रधानमंत्री का खजाना है, एक मुख्यमंत्री का खजाना है, एक मेयर का खजाना, तीनों साथियों खजाने के मालिक उन लोगों को बनाया जो साथियों आपको इस देश के अंदर मिट्टी मिलाना चाहते हैं, जो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, जो धन्ना सेठ को धन्ना सेठ बनाना चाहते हैं। मगर साथियों इन तीनों खजानों की चाबी लेनी है तो साथियों आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाने का काम किया है। 4 बच्चे कब उनके अभाव में चले गए, साथियों आज मेरे तन पर एक भी
कपड़ा है, मेरे जुबान से नहीं एक भी शब्द है तो ये मेरे किसी बाप दादा की देन नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो छात्र जी हमें बाबा साहब की बात को मानना है तो बाबा साहब के बताए हजार से कोई चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उंगली साहब जो पार्लियामेंट की तरफ की है कि कैप्चर द स्टैंपल ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन, सत्ता के मंदिर में गरीबों का कब्जा कर लो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर साथियों आप लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते, आप साथ दूसरों की सरकार बनाने में मास्टर है, दूसरों की सरकार बन जाए आपको कोई तकलीफ नहीं है, मगर साथियों जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी तब तक साथियों आपका भविष्य इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं होने वाला। बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार दिए थे, यहाँ की जो भी सरकार बनाने काम किया भारत के साथ में उनको साथियों मिट्टी मिलाने काम किया, मगर साथियों यदि इनको जिंदा रखना चाहते हैं तो साथियों आपको सरकारें अपनी बनानी होगी और साथियों बहन कुमारी नाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। और साथियों जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो मैंने तो साथियों यहाँ दिल्ली के अंदर देखा है, अभी हमारे नेता बता रहे थे कि मैंने गली गली में जाकर काम किया है, गली गली कूचे में गया हूँ तो साथियों लोगों ने कहने काम किया कि भाई मायावती का दिमाग खराब हो गया, उत्तर प्रदेश में हाथी लगाने लगी है, उत्तर प्रदेश में मूर्ति लगा दी है। मैंने उससे उनसे पूछा कि चलो भाई मायावती जी का तो दिमाग खराब हो गया, तुम अपना हिसाब किताब दो, यदि मायावती जी का दिमाग खराब हो गया, मायावती जी ने पत्थर लगाने का काम किया तो भाई तुम अपने सरकार जो बनाई उन्होंने क्या काम किया। यदि आज इस देश के अंदर बाबा साहब की उंगली को लोग ताड़ने का काम करते हैं, उनका हाथ तोड़ने का काम करते हैं, उनका साथ उनका सर तोड़ने का काम करते हैं, गांधी का चश्मा कोई लेके नहीं भागता, गांधी की लाठी कोई नहीं लेके भागता, मगर बाबा साहब के साथ जो उंगली क्यों तोड़ी जा रही है, बाबा साहब का हाथ क्यों तोड़ा जा रहा है, क्योंकि साथ ही उन्होंने गरीब के बेटों को राजा बनाने का रास्ता दिया, इसलिए उन्हें ये मंजूर नहीं है कि गरीब के बेटे राजा बन जाए। यदि देश के अंदर बाबा साहब को किसी ने सही मायने में सम्मान देने का काम किया तो आपकी नेता बहन कुमारी मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारे पार्क बनाकर उनमें साथ मूर्ति लगाकर ये साथ सम्मान देने का काम किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई यदि बहन जी ने मूर्ति बनाई है तो साथियों मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, देश का प्रधानमंत्री झंडा लहराने के लिए कहाँ जाता है, 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, आजादी का जश्न मनाने के लिए हमारा देश के प्रधानमंत्री लाल किले को झंडा बनाता है, तो ये लाल किला किसने बनाया, अरे तो मुस्लिम शासन काल के अंदर बना था। उसके बाद साथियों देश के अंदर एक ताजमहल खड़ा है जिसे देख के लोग हमारे लोग इतराते हैं, ये ताजमहल किसने बनाया, ये भी मुस्लिम शासन काल में बना है। एक दिल्ली में कुतुब मीनार खड़ा है, ये भी साथियों मुस्लिम काल के अंदर बना, जितने भी किले यहाँ पर खड़े सब मुस्लिम शासन काल में बने। दिल्ली का दिल बनाते हैं किनार ट्रस्ट को, ये किनार ट्रस्ट किसने बनाया, ये अंग्रेजों ने बनाया। उससे आगे चलते हैं साथियों इंडिया गेट, शाम को अपनी एसी गाड़ी में कुत्तों को बैठाएंगे, बच्चों को बैठाएंगे और साथियों वहां पर जाकर रात को 2-2 बजे तक साथियों आइसक्रीम चाटने का काम करते हैं। ये इंडिया गेट किसने बनाया, ये भी अंग्रेजों ने बनाया। उससे आगे चलो साथियों प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति भवन किसने बनाया, ये भी साथियों अंग्रेजों ने बनाया। 1024 कमरे उसके अंदर, 340 कमरों में अकेला देश का राष्ट्रपति रहता है, तुम्हारे कितने कमरे तुम कर लेना, मगर देश का राष्ट्रपति साथियों अंग्रेजों के बनाए हुए साथियों राष्ट्रपति भवन में रहता है। और जिस पार्लियामेंट में ये बैठकर बहस करते हैं ये भी साथियों अंग्रेजों ने बनाने का काम किया। लानत है इसके देश के प्रधानमंत्रियों पर, ऐसे मुख्यमंत्रियों पर जो आजादी का जश्न मनाने के लिए एक झंडा लहराने के लिए जगह नहीं बना पाए। और धन्य बहन कुमारी मायावती जी, यदि आजादी के बाद मुस्लिम शासन काल के बाद अंग्रेजों का बात करते हैं जमीन में एक भी पत्थर गाड़ने का काम किया तो आपकी नेता बहन कुमारी मायावती काम करने का काम किया। तो ऐसे नेता का जन्म नहीं मनाना चाहिए, ऐसे नेता को हमें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। तो साथियों हम लोगों को यहाँ से शपथ लेकर जानी पड़ेगी कि आज हमने जो जन्मदिन मनाया है, अगली बार जब जन्मदिन मनाएंगे तो बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे, ऐसी शपथ लेकर दिल्ली के लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए। साथियों झुग्गी में जाना पड़ेगा, गली कूचे में जाना पड़ेगा, जेजे कॉलोनी में जाना पड़ेगा, कच्ची कॉलोनी में जाना पड़ेगा, और एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि साथियों हम लोग जाए और वहां जाकर साथियों इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। अरे 4 दिन से जो लोग हैं साथियों वो लोग यहाँ पर सरकार बना के उन लोगों ने मूर्ख बनाने का काम किया, और साथियों आपका मूवमेंट सबसे पावन मूवमेंट है, सबसे बेहतर मूवमेंट इस देश के अंदर है, दुनिया में जाने वाले मानने वाले साथियों ऐसे मूवमेंट को आप चाहते हम लोग यहाँ से अनदेखा करने में लगे हैं। यदि अनदेखा नहीं होगा तो साथियों निश्चित मान लेना, और ये आज मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साथियों इस देश के अंदर बहन कुमारी मैं जो 2019 के बाद जब ये रिजल्ट आएगा, मई में जो रिजल्ट आएगा तो बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री बने कोई मायका वाला रोक नहीं पाएगा साथियों, क्योंकि बारिश आने से पहले तूफान आने से पहले साथियों अगाज आ जाता है कि साथियों क्या होने वाला है। आज साथियों ये माहौल बन गया है, आज साथियों देश के अंदर हर पार्टी
जो भी पार्टी है बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी की साथी एक ही साथी आवाज है, किसी देश में भी मोदी को कोई प्रेस कर सकता है, मोदी को यदि पिछाड़ सकता है, मोदी के सामने भी कोई खड़ा हो सकता है, यदि एक नेक नियत और सही मतलब ईमानदार नेता इस देश के अंदर यदि कोई है तो एकमात्र नेता आपके नेता फैंक कुमारी मैथ्यू है। तो ऐसे नेता के लिए साथियों हमें यहाँ से उठकर चलना पड़ेगा, गली गली पूछने जाना पड़ेगा और साथियों उसके बाद हम साथियों अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जो बाबा साहब का मूवमेंट है, जो माननीय कांसर राम साहब का मूवमेंट है कि उन्होंने कहा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यदि वोट हमारा है तो राज भी देश के अंदर हमारा चलना चाहिए। तो इसलिए साथियों मैं ज्यादा ना कहते हुए क्योंकि हमारे प्रभारी महोदय को अपनी बात को विश्वास रखना है, बातें बहुत है मैं कितनी भी कह लूं मगर साथियों उसके बाद भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके बात करेंगे कि इसके बाद इस चुनाव में एक एक वोट चुनाव चिन्ह हाथ में देने का काम करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, अभी तो लिए।